तो गाइस टाइम हो रहा है 11:45 का और सारे कपड़े भी अंदर सुखा दिए थे क्योंकि पहले एक बार बूंदाबांदी हो चुकी थी, उसके बाद अच्छी वाली धूप निकल गई थी और तूड़े जो भूसा होता है पशुओं का वो डालने के लिए आए थे, जिसकी वजह से काम को लेट हो गया। अदरवाइज़ काम तो 10 बजे ही ख़त्म हो गया था। बाहर का जो था उसमें पोचा वगैरह लगाना बचा हुआ था और पशुओं को अंदर बांधना था। वो जो भूसा था तूड़ा था उसको डालने का वेट में थे हम और बच्चे नहला दिए हैं और इतना तेज़ बारिश है, इतनी हुई नहीं है, होने वाली है, हवाएं चल रही है। मैं तो सोच रही हूँ नहीं होनी चाहिए क्योंकि आज हमें जाना है प्रोग्राम में और अभी शाम का काम भी स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि कुआ पूजन होता है, वो 5 बजे के करीबन है। तो यहाँ से हमें 3:30-4 बजे निकलना पड़ेगा, तो 2 बजे काम करना स्टार्ट करेंगे। अभी 2 घंटे हैं, 2 घंटे में थोड़ा रेडी वगैरह, रेडी नहीं मतलब जैसे कुछ तैयारियाँ करेंगे, कुछ कपड़े वगैरह जो लेकर जाने हैं वो डालने हैं। तो बहुत सारा काम खिंडा हुआ है और सारा परिवार मतलब खांसी जुकाम से ग्रस्त हो रहा है। तो घर है, मेडिकल स्टोर बना हुआ है, सभी की दवाइयाँ हैं, लेकिन क्या करें, सब कुछ करना है। दवाइयाँ लेंगी और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, अगर रेस्ट नहीं करेंगे तो फिर वही हालत ख़राब हो जाती है शाम के समय और रात को लेट तक आया जाएगा, 10 बज जाएंगे, 9-10 तो बज जाएंगे। देखते हैं प्रोग्राम किस टाइम पर ख़त्म होता है और ऐसा ही मौसम रहा तो देख सकते हैं शायद कैंसिल भी कर दें। हस्बैंड वगैरह होकर आ जाएंगे, जियाजी जा चुके हैं, बच्चे स्कूल में गए हैं, वो 2:30 बजे आएंगे, उसके बाद वो रेडी होंगे। तो तब तक हम अपनी तैयारियां कर लेते हैं। तो मैं भगवान से दुआ करती हूँ, भगवान बादल को कहीं और टाल दे और कहीं बारिश हो जाए, यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो मैं फटाफट से मेरी बेटी को रेडी करती हूँ और इसको दवाइयाँ वगैरह देती हूँ, उसके बाद ही सो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको ज़बरदस्ती दवाई पिला रही थी और दवाई पीने में काफ़ी वो करती है, तो ये क्योंकि इसकी जुकाम काफ़ी ज़्यादा घुट चुकी है और जब तक दवाई नहीं लेगी तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इसको पिला देती हूँ और उसके बाद मैं अभी नहाई भी नहीं हूँ, जस्ट नहाने के बाद रेडी होंगे क्योंकि शाम का काम जल्दी ही करेंगे और उसके बाद ही नहाना धोना कर लेंगे। तो अभी टाइम हो रहा था 2 बजे के करीबन का, तो यहाँ पर मैंने अपनी बेटी को सुला दिया था दवाई पीकर, ये आराम से सो गई थी और इसको मतलब बहुत तेज़ जुकाम हो रहा था। आज नाक बह नहीं रहा था, आज बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी इसके नाक, तो मतलब बच्चों के खर खर की सी आवाज़ आ रही थी इसके मुंह से। तो ये अब सो गई है, 1.5 घंटे के लिए सो जाएगी, तब तक मैं अपनी तैयारी कर लेती हूँ। जो मैंने साड़ी वगैरह रेडी की है उसका ब्लाउज अभी नहीं आया है, टेलर के पास ही पड़ा हुआ है, तो नज़दीक ही है, अभी बारिश रुकते ही लेकर आएगी दीदी, क्योंकि बारिश हो रही है झमझमाझम बार बार में, कभी रुकती है कभी खुल जाता है, तो ऐसा ही हो रहा है। अभी देखते हैं अगर खुल जाएगा तो दीदी जाएगी आईब्रो बनाने के लिए, तब वो उठाकर लेकर आ जाएगी, फिर उसकी फिटिंग वगैरह चेक करेंगे, उसके बाद हम मिलते हैं आपसे। तो गाइस टाइम हो रहा है 3:15 का और जस्ट हमने सारा काम निपटा दिया है 3:15 बजे ही, लेकिन हस्बैंड अभी नहीं आए हैं, वो आएंगे उसके बाद रेडी होंगे। बारिश हो चुकी थी और उसके बाद मौसम खुल चुका है, अब दोबारा से आएगी पता नहीं, मौसम तो हो रहा है। कपड़े वगैरह सारे अंदर डाल दिए हैं, तो अपना सारा काम निपटा कर जाना है हमें। तो यहाँ से बाहर का मैंने सारा दोबारा से धोया, उसके बाद पोछा लगाया। आज दोपहर में, दोपहर तो था ही नहीं, धूप थी नहीं, तो पशुओं को निपटा दिया है, दूध वगैरह जल्दी ही निकाल लिया था क्योंकि 4 बजे के लिए निकलना है हमें, तो अब फटाफट से रेडी होते हैं और मैं सारा काम निपटा कर ना ही हूँ। और बर्तन वगैरह थे, बच्चों के स्कूल के टिफ़िन वगैरह साफ़ कर दिए, फटाफट से अंदर की झाड़ू निकालनी, बाहर का मैंने सारा साफ़ कर दिया पोछा वगैरह लगाकर। बेटी रेडी हो चुकी हैं, दोनों बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, दीदी रेडी होगी और मैं, और रेडी होने के बाद ही आपसे मिलती हूँ। हस्बैंड अभी ड्यूटी से नहीं आए हैं तो उनके कपड़े वगैरह प्रेस करती हूँ, क्योंकि आज सुबह से बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही थी, अभी फटाफट से कपड़े प्रेस करती हूँ और उसके बाद आपसे मिलती हूँ रेडी होने के बाद। तो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी थी और मैंने ये वाली साड़ी रेडी करवाई थी,
तो जस्ट हम निकल चुके थे, मैं क्लिप नहीं बना पाई थी और यहाँ पर मेरी बेटी देख सकती हैं और ये फ़ोन लेने के लिए मतलब कर रही थी और टाइम हो गया था 4:15 बजे के करीबन हम घर से निकल गए थे और 20 मिनट का ही रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं है मौसी का घर, तो हम कुआ पूजन से पहले ही पहुँच गए थे वहाँ पर, तैयारियाँ चल रही थी हम पहुँचे थे तब। तो ये मैंने गाड़ी में थोड़ी सी क्लिप बनाई थी, ज़्यादा नहीं बनाई थी क्योंकि वहाँ पर ही जाकर थोड़ा बहुत जितनी भी क्लिप मैंने बनाई वो आपके साथ शेयर करूँगी और डांस की वीडियो मैं अलग से डालूँगी। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके थे, ये हमारी मौसी का घर आप देख सकते हैं, यहाँ पर उनके काफ़ी सारे गेस्ट आए हुए थे और मामी जी वगैरह, जो हमारी मामी जी वगैरह हैं वो सभी आ चुकी थी। मेरा बेटा आते ही बस पेप्सी पी रहा है और इसको लगी हुई है बहुत तेज जुकाम खांसी हो रहा है, लेकिन बच्चे नहीं मानते। यहाँ पर सबकी वार्तालाप चल रही हुई थी, औरतें बैठी हुई थी, उनकी बुआ, बुआ की बहू, इनके भी हमारी तरह रिश्तेदार काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे और यहाँ है जच्चा जो बोलते हैं जिसको बेटा हुआ था, उसको भी रेडी किया जा रहा था। ये चुचक से जो औरतें आती हैं उनकी भाभी चाची वगैरह जो भी थी वो उनको रेडी कर रही थी और इनके कुआ पूजन बहुत ज़्यादा नज़दीक था, बारिश का मौसम था जिसकी वजह से बहुत जल्दी कुआ पूजन हो गया था 20 मिनट के अंदर और फिर फ्लावर पर ही डांस वगैरह हुआ था, ज़्यादा कुछ नहीं था क्योंकि प्रॉपर गाँव नहीं है, ये कुएँ के ऊपर ढानियों में रहते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा घर नहीं है, छोटा सा ही है और नज़दीक से ही कुआ पूजन था। तो यहाँ पर उसको रेडी किया जा रहा था और चांदी की ईंधी आई थी इनकी जो जिसके ऊपर दोगड़ रखते हैं और ये पीलिया वगैरह आप देख सकते हैं, ऐसे ही होता है हरियाणा में कुआ पूजन, इंडी के ऊपर दोगड़ रखा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जच्चा को बाहर लेकर आया जाता है, यहाँ पर फोटोग्राफर अपनी फ़ोटो वगैरह ले रहा है, दीदी साइड में दोनों जेठानियाँ लगती हैं इसकी, तो दोनों ने पकड़ रखे हैं इनकी को। इसमें जो दोगड़ रखी गई थी स्टील का बंटा होता है ये, तो उसके ऊपर काफ़ी लाइटिंग लगी हुई थी सजावट में, तो ये चमक रहा है जिसकी वजह से आपको ऊपर दिख रहा होगा। और इसका जो लहंगा था जच्चा का ये काफ़ी हैवी था, लेकिन बारिश रुक गई थी तो मतलब इतने ज़्यादा वो नहीं हुआ बारिश, पानी वगैरह नहीं भरा था, बिल्कुल बूंदाबांदी हुई थी सुबह होकर, यहाँ पर सुबह हो गई थी, यहाँ पर इतनी नहीं हुई थी और हम घर से चले थे तब बूंदाबांदी हो रही थी, लेकिन अभी बिल्कुल मौसम खुल चुका है और काम सारा अच्छे से निपट गया था। तो यहाँ पर ऐसे इनके पकड़ कर लेकर जाया जाता है बाहर आप देख सकते हैं, और ये एक थाली वगैरह दी जाती है जिससे मतलब इसका बाद में जब घर के अंदर एंट्री होगी तो इसका आरता वगैरह या नून राई वगैरह की जाती है जो नज़र के लिए की जाती है, और जो बच्चा होता है अंदर उसके साथ जो घर में बड़ा दादा दूदा होता है उसको बैठा दिया जाता है, तो दो बुजुर्ग लोग थे उनको बैठाया गया है तब तक कि ये घर पर ना आ जाए वापस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और इनको बाहर की तरफ ले जाया जा रहा है और उसके बाद एक कुआ होता है जो मतलब ट्यूबवेल होता है, वहाँ पर इसका मतलब जो भी चीज़ें होती हैं गेहूं के दाने वगैरह पानी वगैरह इस तरह से कुछ किया जाता है, यही कुआ पूजन बोला जाता है। कुछ लोग पीलिया बोलते हैं रोहतक साइड में, लेकिन हमारे यहाँ गुड़गांव साइड में कुआ पूजन का ही रस्म बोलते हैं इसे। तो आजकल लड़कियों के जन्म पर भी कुआ पूजन वगैरह सब कुछ किया जाने लगा है। तो यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, इनके बहुत सारे मेहमान आए थे, मतलब लंबा फैमिली है और मेरी जो दो मामी पहले आ चुकी थी और दो अभी आई हैं, क्योंकि 4 मामियाँ 8 मामियाँ हैं टोटल इनके, हमारी और इनकी एक ही है मामियाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बस थोड़ी बहुत वार्तालाप चली हुई थी और मैंने म्यूट कर दिया है क्योंकि बाहर डीजे बजा हुआ था। तो यहाँ पर डांस स्टार्ट हो गया है आप देख सकते हैं, जैसे ही घर से बाहर आते हैं तो डीजे लगा हुआ था और डीजे के साथ ही जच्चा को कुएं तक लेकर जाया जाएगा, और यहाँ पर पक्की सड़क थी तो दिक्कत नहीं हो रही थी, बिल्कुल सूखा हुआ था, बारिश नहीं हो रही थी, छोटे छोटे बच्चे काफ़ी अच्छा डांस कर रहे थे, तो मैंने यहाँ पर आवाज़ को म्यूट कर दिया है। अगर आपको प्रॉपर डांस देखना है तो मैं क्लिप डाल दूँगी, आप वहाँ देख कर चेकआउट कर लेना, 2-3 क्लिप बनाई थी मैंने डांस की अच्छी अच्छी जो यहाँ की औरतों ने किया था उनमें मैंने भी किया था, तो वो क्लिप मैं कल परसों के अंदर डाल दूँगी, तो आप उसे ज़रूर चेक कीजिएगा और अपना सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि उन पे कॉपीराइट स्ट्राइक और कॉपीराइट क्लेम आते हैं। तो मैंने यहाँ पर म्यूट कर दिया था म्यूजिक, तो सभी बड़े चाव से खुश हो रहे थे, हर किसी को बेसब्री से इंतज़ार था, दो लड़कियों पर लड़का हुआ है तो हर कोई खुश था आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा डांस वगैरह हुआ।
तो यहाँ पर मैं म्यूजिक लगा दूंगी और आप देख लेना इसका, एंजॉय करना, और आगे की रस्म मैं आपको आगे दिखाऊंगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखो बोल रहा है पक, मेरे पास बोल दो ना कि यहाँ पर इनका कुआ पूजन हो चुका था, मतलब जो भी आँखें वगैरह डाले जाते हैं वो डाल दिए थे। उसके बाद सब पांच लड़कों को मतलब बाजरे के दाने होते हैं वो दिए जाते हैं, पता नहीं क्या क्या सुगन होते हैं इसी तरह से। और यहाँ पर वो उठ चुकी थी और अब वापस घर की तरफ चलेंगे, और घर जाने के बाद आपको दिखाऊँगी कि कैसे कैसे क्या क्या होता है। जो क्लिप मैंने बनाई थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं ज़्यादा क्लिप नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरी बेटी मेरी गोद में थी, तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया था। तो यहाँ पर आ चुकी थी जच्चा घर पर, और जैसे ही घर पर आते हैं तो इसको एक चौकी के ऊपर बैठा दिया जाता है आंगन के बीच में, और ये सभी का आशीर्वाद लेती है, सबकी पग पढ़ाई बोलते हैं, सभी जो इनसे बड़े होते हैं उनको पैसे वगैरह दिए जाते हैं। और यहाँ पर ठंडा वगैरह पानी वगैरह देने लगे हुए थे, मौसम काफ़ी ख़राब था और बच्चे मार नहीं रहे थे, बार बार में ठंडा वगैरह पी रहे थे, और सभी बच्चों के कोल्ड कफ हो रहा था। तो यहाँ पर वो आंगन के बीच में बैठी हुई थी और अपने जो बड़े बड़े लोग थे, सभी जितने भी बड़े लोग होते हैं उनको मतलब मान कर रहे थे, 10-10 रुपए दे रहे थे, वो पैरों में दो खा रही थी, तो आप देख सकते हैं। लेकिन बार बार में औरतें थी वो अड़ रही थी, जिसकी वजह से क्लिप साफ नहीं दिखाई दे रही आपको। तो और इनका कुआ पूजन बहुत जल्दी हो गया था, तो ये हो जाने के बाद सभी चले गए थे खाने पर, नाश्ता वगैरह पहले हो चुका था कुआ पूजन से पहले, इसके बाद जस्ट खाने पर चले गए थे। इन्होंने पहले ही अपना सारा बंदोबस्त जल्दी से कर रखा था और सभी काम बहुत जल्दी जल्दी निपटा दिए थे, क्योंकि बारिश आने का डर था, जिसकी वजह से खुला टेंट लगा हुआ था और बारिश में सब कुछ ख़राब हो जाता, लेकिन भगवान की दया से बारिश नहीं आई और सब कुछ खुला रहा। लेकिन 7-7:15 बजे के करीबन ज़्यादातर लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, अभी टाइम हो रहा था 6:30 बजे का, और हम कुआ पूजने के लिए गए थे जब घर से, तो मतलब 7:15 करीबन निकले थे, तो वापस भी आ गए थोड़ी देर, डीजे वगैरह पर डांस भी किया था। तो इसी तरह से ये रस्म होती है, 10-10 रुपये हर औरत को दिया जाता है, और औरतें भी जच्चा की वार फेरी बोलते हैं वो करती है 10-10 रुपये, हर जगह की एक अलग रिवाज होती है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद जच्चा अंदर चली जाती है और जो बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे उनको लड्डू वगैरह दिए जाते हैं, और उसके बाद जच्चा वहाँ पर बैठ जाती है। उसके बाद जस्ट आ गए थे हम खाना खाने के लिए टेंट में, और टेंट में यहाँ पर जो लड़के की जो लड़का हुआ है उसकी बुआ वगैरह डांस कर रही थी, जो काफ़ी खुश नज़र आ रही थी यहाँ पर, तो थोड़ी सी क्लिप मैंने यहाँ पर ली थी। और टेंट में आप भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा लगी हुई है। तो यहाँ पर मैं अपना खाना डालकर लेकर आ गई थी, और यहाँ पर हम खाना खा रहे हैं क्योंकि सभी खड़ा होकर खाना खा रहे थे, और खड़े होकर खाना खाने में मज़ा नहीं आता, मुश्किल से एक हमें चेयर मिली थी और यहीं पर बैठ गए थे हम। तो शाही पनीर, तंदूर रोटी, सलाद वगैरह लेकर आई थी, राइस वगैरह मैं बाद में लेकर आई थी। और यहाँ पर मेरी बेटी देख सकते हैं ये खा रही है चाउमीन, और इसने हमें खड़ा कर दिया, बोली मैं बैठूँगी चेयर पर, क्योंकि यहाँ पर सभी चेयर फुल थी, और बच्चों के साथ खाना खाने में मज़ा बिल्कुल भी नहीं आता क्योंकि बच्चे होते हैं जिद कर बैठते हैं किसी चीज़ की। तो ये देख सकते हैं हाथ से खा रही है, चम्मच हाथ में नहीं ले रही, देख सकते हैं किस तरह से, और बच्चों की जिद पूरी भी करनी पड़ती है, इसलिए हमने थोड़ा बहुत खाना खाया था, चाट वगैरह मैंने कुछ भी नहीं खाया था, और फिर हमने डांस किया। और इसी तरह से इनका काम, जैसे हम घर पर 9 बजे पहुँच गए थे, अभी टाइम 7:15-7:30 का भी नहीं हुआ था, और सभी ने खाना वगैरह खा भी लिया था। उसके बाद 1-1.5 घंटे तक डांस किया, और उसके बाद हम चल पड़े थे घर के लिए।
तो इसी व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।